हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सो फाइनली नूसी गोवा ने भी अपने जीप रेटिंग और सीसीएमसी के फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आपको इनका जीप रेटिंग का फॉर्म जो है किस तरीके से भरना है। अगर आपने एक भी गलती की तो आपको जो है एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा, कॉल नहीं आएगी एग्जाम या फिर इंटरव्यू के लिए। तो देख लो किन किन बातों का जो है आपको ध्यान रखना है इनका फॉर्म भरते हुए। तो 11 पन्नों का इनका ब्राउजर है, फटाफट देख लेते हैं इन्होंने क्या कुछ यहाँ पे लिखा है। भाई सबसे पहले इन्होंने हेडिंग डाली है, इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम 10th 12th एंड आईटीआई कैंडिडेट्स बॉयज एंड गर्ल्स फोर। किस चीज के लिए? भाई जीपी रेटिंग जुलाई 2022 बैच, ठीक है, जनरल पर्पज रेटिंग जो कि नूसी मैरिटाइम अकेडमी गोवा, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ फोटोज दिए हैं यहाँ पे शिप्स के। उसके बाद जब नीचे आओगे तो इन्होंने भाई लास्ट डेट बोली है 16th अप्रैल 2022, कि भाई 16 अप्रैल 2022 से पहले इनके पास जो है आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और इनका कोई ऐसा फॉर्म नहीं होता ऑनलाइन कि आपने आज भरा और आज ही सबमिट हो गया, आज ही पेमेंट हो गया, ऐसा नहीं। इनका क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म भर के जो है इनको बाई पोस्ट भेजना होता है, और वो बाई पोस्ट जो है इनके पास 16 अप्रैल से पहले जो है सारी चीजें पहुंच जानी चाहिए। तो आप मान के चलो 4-5 दिन आप पहले ही भेजो ताकि 16 तक इनके पास पहुंच जाए, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई वही जुलाई 2022 बैच के लिए है ये सब चीजें। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की है, लाइफ ऑन बोर्ड शिप्स, ठीक है, ये इस स्टेज पे आप लोगों के लिए इतना जरूरी नहीं है। लाइफ ऑन बोर्ड शिप्स, कार्गो शिप्स, एलपीजी, एलएनजी कैरियर, क्रूज लाइनर्स, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बताया कि भाई शिप्स किस किस तरीके के होते हैं ये वो। अभी देखो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उन्होंने बोला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। भाई आपके पास 10th होनी चाहिए, 40% आपके मार्क्स हो, जिसमें आपके पास साइंस, इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट्स हो, या फिर आपने आईटीआई किया हो 2 साल का, 40% मार्क्स के यहाँ। और इसके साथ आपके पास 40% होनी चाहिए इंग्लिश में आपके 10th में या फिर 12th में या फिर डिप्लोमा में, या फिर 50% इंग्लिश में अगर आपने वर्नाकुलर मीडियम से किया है तो, ठीक है। फिर मेडिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं कि भाई बॉयज और गर्ल्स के लिए सेम ही है, हाइट जो है 158 सेंटीमीटर, बीएमआई 20 और 30 के बीच होना चाहिए, फिजिकली फिट हो, भाई आपकी आईज जो हो एक आई कम से कम 6x6, दूसरी 6x9 की भी चल जाएगी। फिर उन्होंने बोला है कि भाई 6 मंथ्स का रेजिडेंशियल कोर्स है जो कि 1 जुलाई 2022 से इसकी ट्रेनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या क्या होना चाहिए आपके पास जब आप इसका फॉर्म भर रहे हैं? पहली चीज भाई पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड अप टू और आफ्टर 31/12/2023। और फिर एक और चीज बोली इन्होंने, भाई फाइनल डोज आपके लगी होनी चाहिए, फाइनल डोज सर्टिफिकेट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, ठीक है। इसके बाद इन्होंने आगे बातें की हैं कि भाई पैटर्न ऑफ इंटरव्यू ऑब्लिक टेस्ट, भाई आपका जो टेस्ट या फिर इंटरव्यू जो भी होगा वो मुंबई या फिर गोवा में होगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें चेक की जाएंगी, भाई आपका इंग्लिश, आपके ओरल क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स, साइंस एंड जनरल नॉलेज, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश एज प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन मैरिटाइम अथॉरिटीज, दस नॉन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज ए मस्ट, ठीक है। मतलब आपकी इंग्लिश जो है थोड़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि सारी चीजें जो है इंग्लिश मीडियम में ही आपकी होने वाली है। और जब आप टेस्ट देने आओगे तो भी आने जाने का, आपका रुकने का, जो भी खाने पीने का खर्चा होगा वो सब आपको ही बियर करना है, ये बातें इसके अंदर लिखी है। उसके बाद ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड बाय ईमेल फॉर द इंटरव्यू। जब बहुत सारे बच्चों के इनके पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे तभी उनमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी ने कम भेजे हैं, तो उनके फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। अपना इनका कोई क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ये उन इन बच्चों को ईमेल करेंगे इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए जिनको ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। और राइट टू सेलेक्ट एडमिट ए कैंडिडेट विल डिपेंड अपॉन द सिलेक्शन पॉलिसी, ठीक है। इनकी जो भी सिलेक्शन पॉलिसी है उसके हिसाब से ये लोग सेलेक्ट करेंगे कि हमें किसे बुलाना है टेस्ट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि भाई हमारे कोई एजेंट्स नहीं है तो आप किसी एजेंट्स के जो चक्करों में मत पड़िए। अब आगे इन्होंने बोला है कि भाई ड्यूरेशन ऑफ जीपी रेटिंग कोर्स, ठीक है, वही है 6 महीने का कोर्स और ये सब चीजें, वही सब बातें इनके अंदर क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी वो बातें लिखी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन कर दिया इस बार इन्होंने। फिर एज भाई 17.5 से आपकी कम नहीं होनी चाहिए 1/1/2022 को, ठीक है, और 25 साल से आपकी उम्र ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए 1/1/2022 को। अब नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं कि भाई आपको इनका जो फॉर्म जो है एक लेजर कलर प्रिंटर से, मतलब अच्छे क्वालिटी के पेपर पे आपको इनका फॉर्म जो है प्रिंट लेना है, उसके बाद उसको पेन से जो है ढंग से इसको भरना है। A4 साइज पेपर पे आपको इसका प्रिंट आउट लेना है, और आपके पासपोर्ट में जो है सरनेम और गिवन नेम ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, ये बात इन्होंने बोली है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई डू नॉट सेंड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स बाई ईमेल, ठीक है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन जो है ईमेल के थ्रू नहीं भेजनी, सिर्फ आपको बाई पोस्ट ही भेजना है, ठीक है। फिर डू नॉट सेंड एनी डीडी विद एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना, अभी सिर्फ डीडी आपको तभी देना होगा, सिर्फ पैसा सिर्फ तब लेंगे जब आपको इंटरव्यू या फिर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर भाई वही चीजें कि 16 अप्रैल 2022 से पहले इनके पास चीजें पहुंच जानी चाहिए, और किस एड्रेस पे, भाई ये जो एड्रेस दिया इन्होंने मुंबई का, इस एड्रेस पे सारी चीजें पहुंच जानी चाहिए आपका फॉर्म प्लस डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद इन्होंने बोला है भाई डेट एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू या टेस्ट, भाई जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ईमेल के थ्रू बता देंगे, और जो ईमेल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कह रहे हैं 3rd week of April में मिल जाएगा। भाई 3rd week of April में ये लोग आपको ईमेल करके बता देंगे कि आपका टेस्ट जो है कब है, कहाँ है और कितने बजे है, ठीक है, और ये सारी चीजें जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगी।
उसके बाद बोलना है कि फॉर द सेक ऑफ स्पीड परफेक्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी ईमेल बाय एम और ऑब्लिक एसएमएस। ठीक है, तो भाई चीजें फटाफट हो सके इसलिए ये लोग आपके यहाँ तो आगे जो कम्युनिकेशन करेंगे वो ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू ही करेंगे, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ये लोग भेज देंगे जो भी आगे की इंस्ट्रक्शन होंगी। और इन्होंने बोला कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ द ईमेल फॉर इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपके पास जो ईमेल आया था इनका उसका प्रिंट आउट आपको जो है लेके जाना होगा। उसके बाद इन्होंने बोला है कि भाई 7 दिन के अंदर अंदर इंटरव्यू टेस्ट के 7 दिन के अंदर अंदर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेडिकल्स के बारे में फिर आगे बता दिया जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, भाई आपको एक डॉक्टर और एक सर्जन से सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे। अब उसमें क्या क्या चीजें होंगी देखो, सबसे पहली चीज मेडिकल सर्टिफिकेट्स ऑब्टेंड फ्रॉम डीजीएस अप्रूव डॉक्टर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, डीजीएस अप्रूव डॉक्टर के जो मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई किनके करेंगे, अब देख लो पॉइंट नंबर वन क्या बोलते हैं, भाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है एमबीबीएस या फिर उससे अबव रैंक का, उससे आपको ये लेके जाना है। भाई बीएमआई आपका चेक करवाना होगा जो कि भाई वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर इंटू हाइट इन मीटर, ये चीज होती है। और बीएमआई जो है 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। सेकंड आपको सर्टिफिकेट ले जाना है आई सर्जन के थ्रू। आई सर्जन अपने लेटर हेड पे विद स्टैंप और एप्लीकेंट का पासपोर्ट नंबर और डॉक्टर अटेस्टेड फोटो के साथ वो सब चीजें कि भाई आपकी आई सेट वगैरह कितनी है, ये सब चीजें उसके अंदर आगे मेंशन हो। ठीक है, और फिर आपके आज तक कोई भी सर्जरी हुई हो माइनर या मेजर तो आपको डॉक्टर से लिखवा के लाना है कि इस सर्जरी की वजह से आपके जो है लाइफ एट सी या फिर कैरियर एट सी पे कोई आगे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने जो आगे बोली है, ये जो फॉर्म है भाई शो फॉलोइंग टू द आई सर्जन। जब आप आई सर्जन के पास जाओगे तो उन्हें आप ये दिखा देना इस तरीके से जो है फॉर्मेट में जो है वो आपका आई साइट टेस्ट करेंगे और इस तरीके से भर देंगे। ठीक है, ठीक है, बस आप आई सर्जन को दिखा देना, वो आपको इस तरीके से बना के दे देंगे। और ये वाला जो फॉर्मेट है ये आपको जनरल फिजिशियन के पास आके लेके जाना है जो कि आपका बीएमआई चेक करके बताएंगे। ठीक है, वही है भाई, इनका लेटर हेड होगा, कैंडिडेट की फोटो चिपका के फिर उसके ऊपर साइन करना है क्रॉस, हाइट वेट और बीएमआई, इस तरीके से ये सब फॉर्मेट दे रखा है बेसिकली। ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप फॉर्म, भाई ये चीजें देखो कुछ ज्यादा है नहीं कि बस सब कुछ जो जैसा पूछा है बिल्कुल वैसा के वैसा भर दो, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। कोई भी गलती मत करना, जो चीज इन्होंने बोली है नहीं करने को बस आपको वो चीज नहीं करनी है। अब इसके अंदर जैसे इस ब्राउजर के अंदर 11 पेज है तो 1 से लेकर 8 तक तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, 9, 10, 11 ये जो 3 पेज है ये एक्चुअली इनका फॉर्म है। सो पेज नंबर 9, 10 and 11 ओनली अलॉन्ग विद इनक्लोजर्स टू द एड्रेस मेंशन्ड इन द फॉर्म। ठीक है, आपको 9, 10, 11 पेज नंबर और जो भी इनक्लोजर्स बोले गए हैं साथ में वो आपको भेजने हैं, उनके एड्रेस पे 16 तारीख से पहले पहले पहुंच जाने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ बस यही है। ठीक है, अभी आ जाता है इनका एक्चुअल का फॉर्म। तो पेज नंबर 9, 10, 11 ये आपको भरने है, पेज नंबर 9 है, इस तरीके जो भी जैसी चीज पूछे बस आपको भर देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे फिर आगे पेज नंबर 10 और फिर आगे पेज नंबर 11। ठीक है, जो चीज जैसे पूछिए बस जिसको अच्छी सी हैंडराइटिंग में उसको वैसा वैसा भर देना, कोई भी चीज आपको गलत फील नहीं करनी इसके अंदर, जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो इन्होंने ऊपर लिखा है कि यूज ए ब्लैक बॉल पॉइंट पेन एट ऑल प्लेसेस। ठीक है, तो अब इसको भर देना, अगर आपने ब्लू से भर दिया तो उनके पास पूरा अधिकार है आपका फॉर्म रिजेक्ट करने का। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, एक सिंपल सा फॉर्म है, इसको ढंग से देख लो भाई क्या लिखा है और वैसा क्या वैसा भर दो, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, इंक वाला पेन यूज मत करना, बॉल पेन होना चाहिए। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अच्छा, अगर किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए हो जीपी रेटिंग के लिए, नूसी गोवा हो गया, टीएस रहमान हो गया, इसके लिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है स्टडी मटेरियल ले सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, टाटा टेक केयर, बाय बाय।